भारत सरकार लगातार साड़ियाँ जमहूरियत खत्म करके सानू कोई राह नहीं दे रही। बार बार असं मोर्चियां ते बैठते हैं, कितने सानू इंसाफ नहीं मिलता है, कोर्ट सानू इंसाफ नहीं देंदे हैगे। हजे तक बरगाड़ी का कोई इंसाफ नहीं मिलिया, 328 दे बंदे नहीं फड़े गए हैगे जिन्होंने चक्के हैगे आ। बंदी सिंह साढ़े उन्होंने ये तो सरकार सानू भो को के धक धक के नचोड़ नचोड़ के सानू ऐ कर दी, तो सरकार के बंदे ही कहते हैं कि माड़ा हो गया। भाई कर भी तुसी रहे हो, असी जे चीक भी मारीे तो भी असी माड़े, कुछ भी ना करिए असी गुरु साहब तो मांझे, तो जे कुछ असी अपनी अपील दलील करते हैं तो भी असी माड़े। धामी साहब इस गल का जवाब देन के उन्होंने बीजेपी RSS के नाल समझौता किया कि नहीं किया, जे किया फिर मैनू दसन लाल किशन अडवाणी की किताब खोल के पढ़न, जिहड़ा कहिंदा सी अकाल तख्त हरिमंदर साहब के उत्ते हमला 6 महीने पहला करना चाहिए। चंडीगढ़ बॉर्डर के उत्ते कौमी मोर्चा लग्या होया, जिथे कि पिछले दिन ही भाई बलजीत सिंह दादूवाल का घराओ होया, सवाल पूछे गए क्योंकि संगतां दे कई सवाल ने बरगाड़ी मोर्चा क्यों चुकया गया। दूजे पासे कल IGPC प्रधान हरजिंदर सिंह धामी का भी विरोध होया, उन्हां दी गड्डी तक जिहड़ी भन्नी गई है, तो मान सिंह मान साढ़े नाल ने। प्रधान जी की चल रहा है, दस्सिया जा रहा है कौमी मोर्चा कहिंदा जा रहा है चढ़दी कला वाल सी, पर ढेंदी वाल पासे जा रहा, दो बंदियां नूं कहिंदा इस तरीके दा जलील करना घर बुला के बड़ा औखा लग रहा। भाई खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जिहड़े ये वाका होया उहदा पिछोकड़ सानू देखना चाहिए। 1996-97 च प्रकाश सिंह बादल की सरकार इस वादे ते बनी सी कि मैं लेखा जोखा करूँगा वो अफसरां दा जिन्हां ने वधीकियां कीतियां, वो ना करते हुए BJP नाल हथ मिलाते हुए उरे सुमेध सैनी वर्गे साढ़े उत्ते लाते, जिहदे विच गोली फिर सिखां ते चला के बरगाड़ी दे विच कतलेआम फिर तो दराया गया हैगा। ये उस पार्टी दे नुमाइंदे हैगे जिसने लगातार कब्जा साडे SGPC ते कीता, जिहदे चोण भारत सरकार ने 12 साल नहीं कराए, जिथे पार्लीमेंट 17 वारी चोण हो चुके हैगे आ, SGPC ते सिर्फ 8 वारी होई है, जबकि SGPC 1925 ते स्थापित हुई है, पार्लीमेंट 1952 च शुरू हुई है। साडी जमहूरियत भंग करती, साडे मुद्दे खत्म करते, लगातार सानू सट दे उत्ते सट, RSS दे अधीन BJP दे अधीन ये लोगों ने सानू पाया होया। कहिंदे आ प्रधान SGPC आए सी, किहड़ा प्रधान, जद तेरा चोण दा 2011 च होंदा, 5 साल के बाद होना चाहिए, 16 च नहीं कराया, 21 च नहीं कराया, तीजी बारी लगातार तू बिना जमहूरियत तो प्रधान बन गया हैगा, फिर संगत दे विच रोस नहीं होगा, संगत दे विच ए नहीं महसूस होगी साडी जमहूरियत भंग करती हैगी है। जिहड़ा लगातार 328 सरूपां का कोई वेरवा ही नहीं दे रहे हैगे, जिहड़े उन्होंने छपाई की उन्होंने बन के गुरु साहब के सरूप बना के दते, वो गायब है, पंथ नूं पता ही नहीं कित्थे है। दो साडे सरूप चक के गुरु साहब दे ओ बरगाड़ी दे विच कतल होए, गंदियां नालियां च गाल गाल के सुट्टे पाड़ के अग लाई होई है, ओ 328 सरूपां दी वेरवा ही नहीं यह दे रहे हैगे कि कित्थे है। ये सारियां चीज़ां नूं देख के असीं पुछदे हैगे हैं कि ये जिहड़े व्यक्ति हैगे हैं ये अपनी ड्यूटी क्यों नहीं करते। ये कोई किसी ने रोस इस करके नहीं किया कि व्यक्तिगत तौर पर, ये जिहड़ी भारत सरकार लगातार साडियां जमहूरियत खत्म करके सानू कोई राह नहीं दे रही, बार बार असी मोर्चियां ते बैठते हैं, कितने सानू इंसाफ नहीं मिलता हैगा, कोर्ट सानू इंसाफ नहीं देंदे हैगे, हजे तक बरगाड़ी का कोई इंसाफ नहीं मिलिया, 328 दे बंदे नहीं फड़े गए हैगे जिन्होंने चक्के हैगे आ। बंदी सिंह साढ़े उन्होंने ये तो सरकार सानू भो को के धक धक के नचोड़ नचोड़ के सानू ऐ कर दी, तो सरकार के बंदे ही कहते हैं कि माड़ा हो गया, ये हो गया, वो गया। भाई कर भी तुसी रहे हो, असी जे चीक भी मारीे तो भी असी माड़े, कुछ भी ना करिए असी गुरु साहब तो मांझे, तो जे कुछ असी अपनी अपील दलील करते हैं तो भी असी माड़े। ये बिल्कुल वन साइडेड सोच है, ये स्टेट रिप्रेशन है, स्टेट के बंदे आके उरे रौला पा रहे हैं। SGPC प्रधान धामी वालों कह गया कि जिन्होंने हमला करवाया दरबार साहब से, विरोध तो उन्होंने करना चाहिए कि जेडे भारत जोड़ो यात्रा कढ़ रहे हैं, साढ़े असी अपनी साढ़े कहते विरोध करन लग गए, साढ़े गड्डियां भन्निया जा रही। धामी साहब इस गल का जवाब देन के उन्होंने BJP RSS के नाल समझौता किया कि नहीं किया, जे किया फिर मैनू दसन लाल किशन अडवाणी की किताब खोल के पढ़न, जिहड़ा कहिंदा सी अकाल तख्त हरिमंदर साहब के उत्ते हमला 6 महीने पहला करना चाहिए सी, जिहड़ा कहिंदा है कि इंदिरा गांधी दुर्गा का रूप है, जे तुसी उन्हां दा साथ ना दिंदा हुंदा असी कहिंदे कि तुसी उन्हां तों वखरे सीगे, पर जब तुसी उन्हां दे बुक्कल 'च वड़ के सप सानू बणे हो फिर तुसी कहिंदे हो कि साडे उत्ते वार नहीं सी होना चाहिए, उन्हां ते होना चाहिए, पर तुसी तां उन्हां दे भाईवाल बने हुए हो।
मोर्चे दे विच ये भी गल्लां सामने आ रही ने, कई लोगों के कमेंट ये भी ने कि जिहड़ी तालमेल कमेटी बनाई हुई है उन्होंने सवाल पूछने चाहिए सी, ना कि नौजवानों में गर्मजोश है, गर्मजोश के नाल मोर्चा खराब होता जा रहा है क्योंकि दो बार घटना वापर गई है, गलत मैसेज जा रहा लोगों से। ये रीत उदों शुरू हुई सी जब कथू नंगल दे विच बाबा बुढ़ा जी का प्रोग्राम सीगा, उत्थे स्टेज ते चुटाले जिन्हां ने टीचरां दीआं पोस्टां बेच के पैसे इकट्ठे किए हैं, जिहड़े बादलां दे बिल्कुल हम ख्याली ते हम हमेती हैगे हैं, उन्हां नूं स्टेज ते बुलाया गया सीगा, सुषमा सलाव नूं बुलाया सी जिहड़ा कहिंदी गंगू कोई माड़ा बंदा नहीं सीगा, उह सारिआं नूं स्टेज ते बुलाया सी ते जब साडी पार्टी उत्थे गई सी एस जी पी सी ने अपने गुंडे खड़े करके गोलियां चला तलवारां नाल साडे हमले किए, सर सिमरनजीत सिंह मान की पग लाई, उस समय का अकाल तख्त का जथेदार सी ज्ञानी विदंती ने स्पष्ट स्टेज पर खड़ के कहा सीगा लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, या तो अकाल तख्त के जथेदार का वह बयान धामी वापस लवे, कहे कि यह गल ठीक नहीं है, फिर तो वह तुक बनता नहीं तो दोगला है। प्रधान धामी वालों ये कहा गया कि साडे एस जी पी सी मैंबर तो असी कुरबानिया निकल के आए हैं, जेलां कट्टियां हुई कि नौजवान जिहड़े कल दे ने अजे इन्हां दी उंगली नूं खून लगे है कि असी कुरबानी वाले जे इन्होंने कुरबानियां कीतियां वो कुरबानियां बादल दी झोली च पा के आर एस एस बीजेपी दीआं सरकारां बना के इन्हां दे बच्चे मुफ्त दे एस जी पी सी दीआं संस्थावां च पढ़ा के गोलकां नूं अपने सियासी काम वास्ते प्रकाश सिंह बादल का हैप्पी बर्थडे मनाउण वास्ते बसां एस जी पी सी दीआं वरत के उहदी गोलत वर के इन्हां ने सारा सियासी जीवन का लाह इन्हां ने उत्थों लिता हैगा, पंथ ने इन्हां दा बिल्कुल मोड़ के चुक के सब कुछ वापस करता हैगा, कोई कर्जा नहीं साडे सिरां दे उत्ते, इन्हां दीआं कुरबानियां इन्हां ने अज भी पी टी सी चैनल हरिमंदर साहब की गुरबाणी उत्थे दे कीर्तन दरबार टेलीवाइज करके संगत वड्डी करा के उत्थे अपने एडवरटाइजमेंट के रेट वधा के पैसे लुट रहा, सतिंद्रपाल सिंह कोहली जो कि इन्हां ने यही हाउस ने उत्थे लाया सीगा अपना ऑडिटर, 10 करोड़ की फीस दिती है उन्हें, कभी भी 5 सालों से पता ही नहीं किया कि गुरु साहब दे किन्नी छुपाई हुई है, जो वह काम सीगा इन्हां ने लुट के रज के छकिया, अज साडे सिर ते कुरबानियां किहड़ियां सुटदे हैगे हैं। अच्छा एक रवनीत बिट्टू का बयान आया रात ही जो ये हमला होया, उस तो बाद कहते कि कहा कि इन्हों मोर्चे जोड़ा जाए उन्होंने जलील इस तरीके होना है कि जोड़े भाई हवारा चाहे उन्होंने साथी ने उन्होंने फांसी होनी चाहिए है, दरिंदे तक शब्द जी वरती गई है कि जोड़े मोर्चे बैठे। रवनीत बिट्टू बिल्कुल अपने दादे दियाँ करतूतां ओदे नाल संबंधित है, जिन्हें के पी एस गिल अजार आलम सुमेध सैनी वर्गे साडे उत्ते सुटे सीगे, जिन्हां ने भाई हवारा साहब सॉरी भाई केर सिंह जिन्हां ने शमशान घाट दुर्गाना मंदिर दी विच केस कढ़े सीगे, ये हथियारे बंदे हाँ खालरा साहब जसवंत सिंह उन्हां दे सारे दोषी इहदे दादा हैगा, इहदा जिहड़ा भाई है उन्हें बलात्कार किया होया हैगा फ्रांसीसी बीबी का, इहदी जिहड़ी वचन ते शब्दावली है वो एक तरफी हैगी है, वह बिल्कुल भी यो सोच दे बरखिलाफ मुढ़ तो रहा है, उन्हें दब के फायदा लिता है सरकार का, कोठियां सरकार ने उन्होंने दित्तियां हुई है, सारा लाह लैके इन्हों ने लगातार सिखा निंदना ही सीखा है। ठीक है बिल्कुल, तुम देखो कि सन भाई मान सिंह मान जिन्हों वालों दसया गया कि मोर्च चढ़ती कला के दूजे पास कल जी घटना हुई है उस भी दसया गया कि अकाली दल ने या फिर एच जी पी सी ने जिहड़ी भूमिका नहीं निभाई जिस करके नौजवानों के रोस है, रोस के कारण ही जिहड़ियां ये घटना हो रही ने, अगर एच जी पी सी चाहती है कि बंदी सिंह बाहर आन तो पहला 328 सरूप का जिहड़ा हिसाब किताब देण कि कित्थे गए ने, तां करके ही इन्हां मोर्चे दे विच आवे, तो देखते कि आने वाले दिनों जिस तरीके मोर्चा लग्या होया लगातार जिहड़ियां संगतां पहुँच भी रही ने, तो आने वाले दिनों ये मोर्चा अपनियां मंगां मना के उठता जां फिर पहले मोर्चियां वांगू ही आश्वासन लेके, तो आने वाला समय दसेगा। तुहाडे कैमरामैन समित दे नाल हरते सिंह।